हेलो एवरीवन वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम टू आवर डेली न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस वेर एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट थ्री इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स यहां पे जो है हम थ्री इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले थे एक्चुअली जिसमें कि ये एक टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस एक्चुअली मांग रहा है सो वट आई विल बी डूइंग आई विल बी कवरिंग दिस इन अनदर वन ठीक है इसको आई विल बी डूइंग कि मैं इसको ना किसी और में कवर कर दूंगी बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं पावर पैक्ड है एकदम इस वजह नाउ दिस वन द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इट इज इट इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैंने यहां पे लिया हुआ है हंड्रेड एंड एट फुट ऑफ फुट टॉल स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ ये थोड़ा मिसिंग हो गया ऑफ आदि शंकराचार्य तो हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन थे ठीक है एंड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है इनकी फिलॉसफी के बारे में भी वी विल गेट टू नो नेक्स्ट इज वन आर्टिकल रिलेटेड टू क्वट तो मोटा मोटा अगर हम हम देखें तो आज का जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस है दैट इज गोइंग टू बी ऑन दिस एंड दिस वाई मैम यू हैव इंक्लूडेड दिस क्योंकि इसके बारे में बताना जरूरी है प्लीज कवर दिस ऑन योर ओन आज वेल और इसको जो है मैं कल इसको कवर कर दूंगी इन वेरी डिटेल्ड मैनर राइट चलो लेट्स गेट स्टार्टेड बट बिफोर दैट अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड द इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू तथास्तु कोर्सेज कोर्सेज कौन कौन सी हैं एम एस एल वी पी एस वेल पी एस एल वी लॉन्च कर दिया गया है तो आप इसमें अब रजिस्टर कर सकते हो नेक्स्ट इज एन सी आर टी मड्यूल एंड दर वन इज फिलासफी ऑप्शनल तो दीज आर द कोर्सेज एम एस एल वी पी एस एल वी एन सी आर टी मड्यूल एंड फिलोसफी कोर्सेज ये सारी अवेलेबल हैं सो यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ दीज अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स या फिर जो है आप इस एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हो दिस इज़ आर ऑफिस एड्रेस यू वॉन्ट टू गेट मोर डिटेल्स इन नंबर्स पर कॉल कर लो या फिर तथास्तु आई सी एस डॉट कॉम ये जो हमारा वेबसाइट है यू कैन विजिट देयर ऑल्सो वहाँ पर जो है जाकर के सारी डिटेलिंग्स आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे ओके चलिए सो विदाउट मच एड्यू लेट्स गेट स्टार्ट विद आर टॉपिक दैट इज हंड्रेड एंड एट फुट स्टैचू ऑफ शंकरा लुकिंग ऐट नर्मदा तो ये आर्टिकल में गया क्या आ रहा है कि वो बता रहा है कि 108 फुट स्टैचू जो है आदि शंकराचार्य जी की वो उसको लॉन्च कर दिया गया है मतलब उसको लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है नॉग्रेट उसको कर दिया गया है एंड कहाँ पर है वो वो इस तरीके से उसको बनाया गया है कि वो नर्मदा की तरफ उनकी फ़ेस है ठीक इज़ वॉट इट इज़ एक्चुअली तो आदि शंकराचार्य के बारे में जो है हम ये इस आर्टिकल में किस चीज़ चीज़ के बारे में डिस्कस किया है आदि शंकराचार्य जी कौन है कौन थे उनके बारे में देन जो है ये प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बना है तो वो हमको डिटेलिंग नहीं जाननी है नेक्स्ट आता है कि इस स्टैचू को बनाने में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूसेज में आई है क्या क्या चीजों का उन्होंने ध्यान दिया है देर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट नेम्स जो कि आपको जानने जरूरी है फिर आता है कि इसमें कि वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मंदता मंदता क्या है उसका सिग्निफिकेंस सो दैट वी विल गेट टू नो वन बाई वन ओके अभी यहाँ पर जो है एक बार हम देख लेते कि ये जो स्टैचू है इस स्टैचू का नेम दिया गया है स्टैचू ऑफ वननेस ओके okay, तो स्टैचू ऑफ वननेस का नाम जो है ये 108 फुट टॉल आदि शंकराचार्य का जो है वो बनाए हुए ये जो स्टैचू है इसमें आदि शंकराचार्य जो है वो एक 12 साल के बच्चे के जैसे जो है इनको बनाया गया है लाइक दैट ओनली ही हैज़ बिन मेड एंड इसको कहाँ बनाया गया है तो ये जो है मंदता आइलैंड वहाँ पे बनाया गया है अब ये मैंने जैसे कि आपको यहीं पे बताया कि मंदता एक्चुअली है क्या तो हम उसके अंतर्गत देख लेंगे कि वॉट इज दैट बट अभी जो है बस इतना जान लीजिए कि ये जो मंदता आइलैंड है उसके ऊपर इसको बनाया गया है अब शंकराचार्य जी जो है वो कौन थे आदि शंकराचार्य ये इनके बारे में जो है जैसे टाइम पीरियड क्या था इनका तो 788 टू एर ये जो क्राइस्ट एरा है सी ई इसमें थे ठीक है ये इनकी लाइफ स्पैन है कितने टाइम में थे ही वॉज़ अ सन्यासी तो सन्यासी का मतलब क्या होता है एक ऐसा पर्सन जिसने अब सभी चीज़ों को त्याग दिया है

पढ़ा होगा जाना होगा राइट था आप सभी को पता ही होगा राइट तो वैसे ही ये ओमकारेश्वर भी है तो ये वहाँ पर सन, अपना सन्यासी धारण करके फिर जो है वो वहाँ पर चले गए फिर यहां पर इन्होंने क्या, इन्होंने क्या? जो है वो पढ़ाई करी गुरु गोविंद जी के अंदर ये गुरु गोविंद जी के जो गोविंद भागवपदा जो है उनके पद जो है उनके अंडर उन्होंने पढ़ाई करी और उनके साथ अब यहाँ पे इसके बाद उन्होंने अद्वैत वेदांत जो है अद्वैत वेदांत ही बिकेम द प्रोपोनेंट ऑफ दैट आदि शंकराचार्य की जब बात आती है तो उनके साथ अद्वैत फिलॉसफी जो है नाम का है अद्वैत फिलॉसफी, एंड शी फॉलोज दैट आल्सो तो, तो अद्वैत जो ये वेदांत है ये इनका कॉन्सेप्ट ये इस चीज को जो है वो फॉलो करते हैं दैट इज ऑफ द वन द ब्रह्म इस चीज़ को ये फॉलो करते हैं मैं आपको इस चीज से रिलेटेड जो है वो ब्रीफ भी दूंगी पहले जो है हम ये न्यूज़ देख लेते हैं कि ये किस चीज़ क्या क्या इसमें दी ये इनकी लाइफ जो है कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी 32 इयर्स ठीक है तो 32 इयर्स ईयर्स के एज में जो आ, इतना लाइफ स्पैन था इनका एंड ही इज बिलीव टू हैव ऑथर्ड हंड्रेड वर्क्स 116 काम मतलब उनका तरफ से जो है कार्य बेसिकली उन्होंने करे हैं किताबें लिखी हैं इसमें उन्होंने जो कमेंट्रीज भी लिखी हुई है कमेंट्रीज किसके ऊपर लिखे हुए हैं उपनिषद्स ब्रह्म सूत्र और गीता जो है इन सभी पे इन्होंने कमेंट्रीज भी लिखी है अब ये प्रोजेक्ट को किस तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया तो इसमें आपको क्या जानना है इसमें बस आपको इतना जानना है कि आदि शंकराचार्य की स्टैचू को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया उसके साथ साथ शंकर म्यूजियम जो है उसको भी बनाया गया है और आचार्य शंकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांत इसको भी जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑल ऑफ दीज हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड राइट एंड इन सभी का लोकेशन जो है वो ओमकारेश्वर ही है तो दैट इज डन अब आता है कि क्या जो है इस स्टैचू में हुआ है तो सबसे पहले ये स्टैचू बनी है तो कहाँ पे कहाँ पे इसको डाल रखा गया है तो ये है मांधता पर्वत हिल पर है ये मांदता पर्वत हिल जहाँ से कि आपको नर्मदा रिवर बड़े आराम से दिखती है अब ये यहाँ पर जो है फिफ ये इसमें ये जो आ, ये जो पूरा स्टैचू है उसका पेडेस्टल तो इसका पेडेस्टल जो है वो फिफ्टी फुट फिफ्टी फोर फुट जो है इसकी हाइट है पेडेस्टल की और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है 27 फुट की लोटस पेटल्स लोटस की जो पेटल्स है 27 फुट की ये बेस है एंड ये सारी चीजें किस चीज से बनी है रेड स्टोन से बनी हुई है ओके okay? अब यहाँ पे जो है आपको इतना सारा जो साइज है हाइट है वो सारी चीजें याद नहीं करनी है बट फॉर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो सो दैट इज़ देयर अब ये जो स्टैचू है इसमें कौन सा मटेरियल कितना जो है वो यूज़ हुआ है ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि 88 परसेंट कॉपर है 4 परसेंट जिंक है 8 परसेंट टिन है ये सारी चीज़ें हैं इसमें हाई क्वालिटी स्टील भी है ओके सो ऑल दीज थिंग्स आर ओवर हियर राइट सो दिस इज़ डन अब यहाँ पे आपको क्या जाना था मानदता पर्वत हिल जो है ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी बाकी सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है ये मानदता तो ये जो आइलैंड है ये द आइलैंड इज इन द नर्मदा अब आइलैंड बोला है तो आइलैंड ऑब्वियस बात है कि पीस ऑफ लैंड विच इज इन विच इज एक्चुअली सराउंडेड बाई वॉटर फ्रॉम ऑल द साइड्स चारों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है सो दैट इज दर दैट इज द मान्यता आइलैंड अब यहाँ एंड इट इज होम टू टू या टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि बारह ज्योतिर्लिंग्स होते हैं तो बारह ज्योतिर्लिंग्स में से ये दो ज्योतिर्लिंग का ये प्लेस है कौन से दो ज्योतिर्लिंग है तो एक है ओमकारेश्वर और दूसरा है अमरेश्वर ओमकारेश्वर और अमरेश्वर प्लीज ये दो पॉइंट्स जो है वो याद रखिएगा प्रम्स पर्सपेक्टिव से दीज आर इंपॉर्टेंट क्योंकि अब यहाँ पे तो ज्योतिर्लिंग्स जो है वो सारे ही इंपॉर्टेंट हो गए वैसे अब ये जो आइलैंड है यहाँ पे आपको शैव वाइट वैश्वाइट और जैन टेम्पल्स ये सभी मिलेंगे यहाँ पर तो यू कैन सी एज इट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दी थ्री, शे वाइट शेविज्म वैश्नविज्म एंड जैनिज्म सभी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगी एंड ये जो टेम्पल्स है सॉरी ये जो टेम्पल्स हैं फोर्टींथ टू एटीन सेंचुरी के बीच की है अब यहाँ पे जो वर्ड आता है ओमकारेश्वर हमने देखा एंड वी इन द स्टार्टिंग इट्स वी गोट टू सी कि आदिशंकराचार्य जी जो है वो स्टार्टिंग में ही ओमकारेश्वर चले गए थे तो ओमकारेश्वर वर्ड में जो है ये ओम वर्ड है राइट इट इज डिराइव फ्रॉम द शेप ऑफ द आईलैंड विच रिजेंबल्स द सेक्रेट सिलेबल ओम ये जो आइलैंड है वो मतलब इस तरीके से है एज ऑफ दैट इज द ओम एंड ओम जो क्या है एंड इट इज द नेम इट एक्चुअली मीन्स द लॉर्ड ऑफ ओमकार ये ओमकारेश्वर ओमका ईश्वर ओमकारेश्वर ओम का ईश्वर इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ ओमकार और यहीं पर ही अगर पुराना की बात करें तो जो लॉर्ड शिवा है ही पियर्स द वर्ल्ड एज एन एंडलेस पिल्लर ऑफ लाइट

इन इंडिया एंड सभी जो है वो शिव भगवान को डेडिकेटेड है तो ये तो हमने आर्टिकल की बात कर लीटिकल आदिशंकर ब्रह्म सूत्र और गीता जो है इन सभी के ऊपर उन्होंने जो है कॉमेंट्रीज बताई कॉमेंट्रीज जो है वो की हैं अब इसके साथ साथ जो है इन्होंने पोएटिक कॉम्पोजिशन भी किए हैं तो ये नेम याद रखिएगा आ, विवेका चुंदमि चुंदमणि और उसके बाद आता है मनीषा पंच काम पंच काम और लास्ट में यहाँ पर कौन सा आ जाता है सौंदर्य लाहिरी सौंदर्य लाहिरी तो ये जो तीन पोएटिक कॉम्पोजिशंस हैं वो आदि शंकराचार्य जी ने किए हैं इसके साथ साथ इन्होंने जो है कनक धार जो है इसका भी कॉम्पोजिशन इन्होंने किया है कनक धार स्त्रोत्तम का आदि शंकरा ही ऑल्सो बिलीव्ड इन दिलीव एंड टू हैव ऑथर्ड द टेक्स्ट नो ये बिलीव किया जाता है कि उन्होंने ये भी चीज जो है वो लिखी है दैट इज शंकरा स्मृति शंकरा स्मृति जो है वो कहते हैं कि इन्होंने ही लिखा है एंड दिस एक्चुअली एम्ड टू एस्टैब्लिश द प्रोमिनेंस ऑफ द दिरी जो ब्राह्मिड है उनकी प्रोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए बेसिकली ये जो शंकरा स्मृति जो है वो लिखा गया था हिज प्रोमिनेंट प्रोमिन इन इंडियन फिलोसफी राइज प्राइमरली फ्रॉम द दट्रीज एंड ये कॉमेंट्रीज किसके ऊपर थी प्रस्थन त्रयी क्या है ये प्रस्थना त्रय प्रस्थना त्रय क्या है ये त्रई 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 दैट इज द उपनिषद ब्रह्मसूत्र एंड गीता त्रय थ्री दैट इज वॉट इट इज सेंग त्रई तो इन्होंने कॉमेंट्रीज करी थी ये चीजें इन्होंने लिखी थी ये जो है इसका भी कॉम्पोजिशन किया था एंड इट इज बिलीव दैट ही शंकरा स्मृति भी इन्होंने लिखी है जो कि नाम्बू थीरी ब्राह्मण्स की प्रोमिनेंस को बढ़ाने के लिए एक्चुअली किया गया था एंड प्रस्थना त्रयी जो है इस पे भी इन्होंने कॉमेंट्रीज करी हुई है अब आता है कि अद्वैत वेदांत के ऊपर तो ही एक्चुअली फॉलो ही ये जो है इस चीज को काफी ज्यादा प्रमोट भी करते थे और ही बिलीव्ड इन दिस थिंग आज के हिसाब से अगर देखें तो इट वॉज कैरेटराइज बाई रेडिकल नॉन ड्यूअलिज्म एक्चुअली रूटेड इन दी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशियंट उपनिषदिक टेक्स ये जो अद्वैत वेदांत है ये बेसिकली बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉन ड्यूलिटी नॉन यानी कि जिसको कि हम ब्रह्म कहते हैं एंड दिस ब्रह्म एक्चुअली दी अल्टीमेट रियालिटी एंड कंपासिंग दी ऑल काइंड ऑफ एक्जिस्टेंस हो गई है ब्रह्म ब्रह्म ऐसा चीज है जो कि सब में वही सब चीज जो है वो बेसिकली उसी में ही समाहित है एंड दैट इज ब्रह्म

ठीक है अब आत्मा अगर नहीं रहे किसी चीज में तो लाइफलेस बॉडी है एंड इज इन अंस विद द्रह्म एंड एंटिटी कैरेक्टराइज बाई प्योर नॉन इंटेंशनल कॉन्शियसनेस हालांकि मैं जो है इसमें कुछ ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं जा कर के पढ़ा रही हूँ बिकॉज आई एम थिंकिंग कि अद्वैत वेदांत के ऊपर या तो मैम ही कोई क्लास ले लें या फिर जो है मैं एक सेपरेट क्लास ले करके उसको एकदम डिटेल में सारी चीज़ें ले करके जाऊँ तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अद्वैत वेदांत जो है इट एक्चुअली बिलीव्स इन दी ब्रह्म और ब्रह्म क्या है दैट इज़ दी अल्टीमेट अल्टीमेट रियालिटी दैट इज द आपने काफ़ी बार सुना होगा काफ़ी लोगों को कहते हुए कि ब्रह्म जो है वही सत्य है बाकी सब कुछ भी नहीं होता है ओके सो दैट इज वॉट इज द अद्वैत वेदांत एक्चुअली बिलीव्स इन एंड अगर यहाँ पे जो ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्म एक्चुअली रिप्रेजेंट दिंगर सिंगुलरिटी उस चीज को जो है वो मे, आ, 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 मतलब रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज डिवर्ड ऑफ सेकेंड एंटिटी एंड हैंस जो है ये नॉन डुअलिज्म जो है उस चीज की तरफ जाता है इनफेनाइटली एग्जिस्टिंग एंड आइडेंटिकल इन एक्सेंस इन एसेंस विद दैट ऑफ द आत्मा ओके नेक्स्ट आता है क्वाड मिनिस्टर्स ये वाला आर्टिकल क्वाड मिनिस्टर ये क्वाड एक्चुअली है क्या क्वाड होता है क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ओके क्वाट्रिलेट्रल सिक्योरिटी डायलॉग जिसको कि इसको जिसको कि बेसिकली क्या कह रहे हैं क्वाड uh, शॉर्टकट में जो है कह देते हैं ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें कि नेशंस हैं जैसे कि यूएसए हो गया इंडिया हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया जापान हो गया क्या हो गया यूएसए हो गया इंडिया हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया ये चार हैं अब इसको जो है आप एक बार ऐसे देख लीजिए ठीक है तो क्वार का फॉर्म बना रहा है ना यूएसए है जापान है इंडिया है ऑस्ट्रेलिया है राइट सो दैट इज द सीन अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम एक बार ये देख लेते हैं कि क्वाड की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है तो इसकी ऑब्जेक्टिव्स है मेरी टाइम सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना क्लाइमेट चेंज उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो है उसको प्रमोट करना कोविड नाइन्टीन क्राइसिस जो है उसको एड्रेस करना एंड वैक्सीन डिप्लोमेसी इसके साथ साथ एस्टैब्लिशिंग इस तरीके की एनवायरमेंट कंड एनवायरमेंट जो है एस्टैब्लिश करना जो कि जिससे कि रीजन में इन्वेस्टमेंट्स आए तो इट इज लाइक द हेल्थ सिक्योरिटी एंड एकनमी सारी चीज़ों जो है वो इसमें आ गई ये इसका क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अब कोर ऑब्जेक्टिव क्या है तो ग्लोबल ऑर्डर में रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसके बाद क्या है प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी इज कंसर्न अब होल्डिंग अ लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम हो ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो हैं कुछ कंट्रीज वो फ्री ट्रेड तो करना चाह रही हैं दूसरी कंट्री हमको अपने मार्केट में एंटर करने दें लेकिन हम जो हैं उनको अपनी मार्केट में एंटर नहीं करने देंगे या फिर करने दे भी रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड तरीके से स्ट्रेटेजिक रोल क्या है कंसिस्टेंटली व्यूड एज अ स्ट्रेटेजिक पॉल्यूशन टू काउंटर बैलेंस चाइनीज इन्फ्लुएंस क्योंकि अगर हम ये सारे कंट्रीज की बात करें तो जापान इज़ परेशान विथ चाइना इंडिया इज परेशान विथ चाइना यू एस ए इज़ ऑल्सो परेशान विथ चाइना ऑस्ट्रेलिया खैर वार उतना खैर उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कंपेयर टू दीज थ्री कंट्रीज़ तो यहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है उसके ऊपर स्पेसिफिकली ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया गया है ओके okay. एक्सपेंशन की जहाँ तक बात है तो क्वाड मेंबर्स हैं और यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं तो यो सी बात है क्वाड प्लस हो गया ठीक है जिसमें कि साउथ कोरिया न्यूजीलैंड वियतनाम और जो दूसरे कंट्रीज हैं वो सभी इसमें इन्वॉल्व हैं नाउ लेट्स कम बैक टू दिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्वाड ने जो है वो कमिटमेंट दी हुई है इस चीज़ को लेकर के कि हम जो है इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल क्या चीजें हैं तो वो इट इज एक्ट द फ्री एंड ओपन ट्रेड और कहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में विच इज अ काइंड ऑफ हब ऑफ द मार्केट्स हब है मार्केट वहाँ पे अच्छी खासी हैं मार्केट्स इन द सेंस आप बहुत ह्यूज एवेन्यू है वहाँ पे ट्रेड करने के परस्पेक्ट वॉट ऑल्सो प्लेस टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ यू एन चार्टर एंड सपोर्ट इट्स रिफॉर्म दे एम्फोसाइज द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ एज वेल बिकॉज अगर इंटरनेशनल लॉ बने हैं तो वो हर किसी को मानना चाहिए अगर नहीं मानेंगे तो देअर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अब यहाँ पे एक ये भी तो चीज देखो कि जैसे कि चाइना है साउथ चाइना सी जो इशू है तो वेर इट कम्स टू दैट चाइना डजेंट पे अ हीड टू एनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कोई फर्क ही नहीं पड़ता and this is the reason why the things get get wrong and यहाँ पे जो लोग follow करना चाह रहे हैं वो भी follow नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दूसरा वाला उस चीज़ को उसे सांप से ले नहीं रहा है that's the kind of problem counter terrorism efforts and consequence management exercise so foreign ministers जो हैं they discussed about the quad जो है वो किस तरीके से this quad की जो counter terrorism working group है working group से? इनकी कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट एक्सरसाइज को लेकर के बिकॉज यूएस एंड इंडिया सबसे ज्यादा टेररिज्म से परेशान है तो देनी दे दे ऑबियसली अगर इस ग्रुप में है तो दिस इज गोइंग टू बी टॉपिक जिसके ऊपर बात होगी एंड स्पेशली इंडिया तो करेगा ही इस चीज को लेकर के ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करता है कि कैसे कुड एक्चुअली असिस्ट रीजनल नेशंस अफेक्टेड बाय दी टेररिस्ट अटैक्स जो भी रीजन नेशन, जो भी नेशंस हैं उनको किस तरीके से जो है टेररिस्ट अटैक्स वो आ, रेजिस्ट कर सकते जो भी उस चीज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं, इम्पैक्टेड हैं। ये जो वर्किंग ग्रुप है, प्लानिंग टू मीट इन हवाई इन डिसम्बर फॉर अ टेबल टॉप एक्सरसाइज दे आर प्लानिंग टू डू दिस नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कंसर्न्स अब जब तक ये देखिए यूक्रेन रशिया यूक्रेन का जो इशू एंड ब्लैक सी ग्रीन इनिशियटिव रशिया ने जो है तो ये तो बार बार इस चीज को लेकर के डिस्कशन होगा जी ट्वेंटी समिट में भी हुआ है एंड दीज काइंड ऑल्सो देट्स वेरी ऑब्वियस यू एन रिफॉर्म एंड अकाउंटेबिलिटी में ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव नहीं समझा रही क्योंकि कल ही समझाया मैंने इसको बहुत ब्रीफ ठीक है यूएन रिफॉर्म एंड अकाउंटेबिलिटी वर्ड एक्चुअली एम्फोसाइज द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव यू रिफॉर्म यूनाइटेड नेशंस में भी जो है रिफॉर्म की जरूरत है जहां पर की सबसे ज्यादा तो जो डिमांड हो रही है एंड दैट डिमांड इज रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उसको लेकर के दे हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग अटेम्प टू अंडरमाइन द इंटरनेशनल सिस्टम दे आर टॉकिंग अबाउट दैट possibly alluding to russia's use of the veto in security council actions related to the ukraine conflict. क्योंकि kyunki ये ye un सिक्योरिटी काउंसिल जो है यहाँ पे अगर जब अगर यूक्रेन का जो issue है वो जब भी raise किया जाता है तो जो भी permanent मेंबर्स हैं जो भी पर्मानेंट हैं वो देश में से अगर कोई एक भी क्वेश्चन रेज कर देता है मतलब उस चीज के ऊपर डिस्कस करने से मना कर देता है तो उस चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकती है उस चीज पे जो है आगे नहीं बढ़ सकते ओके तो दैट इज द सीन ओवर हियर तो अभी रशिया जो है जैसे इंडिया को पर्मानेंट मेंबर बनाने की जब बात होती है तो चाइना अपना वीडो पावर यूज है उसी चाइना को जो है परमानेंट मेंबर बनाने के लिए हमारे ही प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे अब यहाँ पे क्या है यूक्रेन की इशू जब भी रेज होती है तो रशिया इज देयर टू यूज इट्स वीटो पावर एंड दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक सीन ओवर हियर कंसर्न्स जो है वो नॉर्थ कोरिया और म्यांमार को लेकर के बिकॉज दोनों म्यांमार में तो बेसिकली डेमोक्रेसी को लेकर के सीन है एंड यहाँ पे जो क्वाड क्वाड मेंबर्स हैं दे हैव कि नॉर्थ कोरिया जो है वो बेसिकली रिस्टेबिलाईज कर रहा है मिसाइल लॉन्चेस एंड इट इज अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वो बार बार जो है इस चीज को प्रोजेक्ट करता रहता है वी हैव दिस मच ऑफ पावर वी आर हैविंग अ लॉट मेनी न्यूक्लियर वेपन दे कीप ऑन डूइंग दिस थिंग तो एक तरीके से वो धमकाना है वो डराने वाली चीज है दे सपोर्टेड अ ट्रांजिशन टू एन इंक्लूसिव फेडरल डेमोक्रेसी इन म्यांमार तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वो बेसिकली म्यांमार में डेमोक्रेसी को लेकर के क्वेश्चन रेज हो रहा है कि जब भी मतलब सरकार आती है और उसके बाद जो है ये कू हो जा रहा है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द इशूज रिलेटेड टू रोहिंग्याज ओके तो ये जो पॉइंट है बहुत बड़ा है कि डेमोक्रेसी वहां पे लेकर के आने को नेक्स्ट है कि अग्रीमेंट म्यांमार जनता और आशियान कंट्रीज के बीच में बनना बहुत जरूरी है सो दैट दे कुड एक्चुअली कम अप कम टू सम कंक्लूजन एंड आशियन कंट्रीज ऑब्वियसली बात है म्यांमार इज रिलेटेड इट इज़ रिल अगर आपके पड़ोसी में किसी तरह कुछ गड़बड़ हो रहा है तो चांसेस हैं कि आपके कंट्री में भी प्रॉब्लम हो सो वी नीड टू अवॉइड इट राइट नेक्स्ट है कमिटमेंट टू रीजनल इनिशियटिवस वीहाइट्रेटेड इट्स कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल इनिशियेटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन

डी एन ए में हम कवर करेंगे आई नीड टू डू इवन मोर रिसर्च ऑन दिस थिंग एंड देन ओनली आई वॉन्ट टू प्रेजेंट आई डोंट वॉन्ट टू प्रेजेंट यू जस्ट लाइक दैट सो दैट इज वाई आई एम नॉट डूइंग ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप दैट यू पीपल एंजॉयड इट गिव इट ए हम्स अप अच्छा लगा तो शेयर लाइक एंड कॉमेंट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ब बाय टेकर एंड हैव अ ग्रेट टाइम जय हिंद